नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। कल रात से अरविंद केजरीवाल को नींद नहीं आई है और उनका जो डायबिटिक है वो उनका फ्लैक्चुएट कर रहा है लगातार, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं के ना ही इंसुलिन मांगी है, क्योंकि वो अब गहरे सदमे में आ गए। सदमे में इसलिए आ गए हैं कि जो झूठ बार बार अरविंद केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी के मुंह से बोलने की कोशिश कर रहे थे, उस पूरे झूठ पर अब टेप चिपक चुकी है, यानी कि मुंह बंद किया जा चुका है। क्योंकि हाई कोर्ट ने जिस तरीके की दलीलें दी हैं, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को, जमानत याचिका को खारिज करते हुए जिस तरीके की बातें की हैं, अरविंद केजरीवाल अब कहीं के नहीं रह गए हैं। उन्होंने उनकी सारी दलीलें फेल हो गई हैं और हाई कोर्ट के फैसले से दिल्ली सरकार बुरी तरीके से हिल गई है और हिल गई है अरविंद केजरीवाल की कुर्सी, क्योंकि जिस कुर्सी को लेकर अरविंद केजरीवाल एक कुर्सी को ढाल के रूप में कुर्सी को इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल का पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। पंजाब के लोगों को हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब से ऐसे कई गवाह सामने आए हैं जो सीबीआई के पास अब रजिस्टर्ड गवाह है और उन्होंने ठोकर सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस मामले में गवाही दी है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल किंग पिन थे और उन्होंने ये पूरा का पूरा खेल रचा था, यानी कि पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। दूसरा, सीबीआई के सबूतों से जो अदालत है उन्होंने इस सब को बहुत तथ्यात्मक रूप से लिया है और बड़ा फैसला सुनाया कि अब अरविंद केजरीवाल के पास कुछ नहीं बचा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब कहीं के भी नहीं रहेंगे। सीबीआई की कार्रवाई में जो जज साहब ने, जो हाई कोर्ट ने कहा है, उसमें कहा गया कि सीबीआई की कार्रवाई में कोई दुर्भावना दिखाई नहीं देती है और गिरफ्तारी की वजह आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो द्वारा गवाहों को प्रभावित होने से बचाना था। ये जज साहब ने कहा है और मान लिया है, जिसको बार बार अरविंद केजरीवाल गलत ठहरा रहे थे कि मेरी गिरफ्तारी और मेरी रिमांड जो है वो गलत है, उसको उस पर मोहर लगा दी है हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट ने मोहर लगाते हुए सीधे शब्दों में कहा है कि ये गिरफ्तारी बिल्कुल सही थी, किसी भी तरीके से गलत नहीं थी। केजरीवाल के बारे में जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, जो गंभीर टिप्पणी है, वो ये है जो हम आपको बता रहे हैं कि वो अपनी कुर्सी को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा कि केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं है, बल्कि वो मैग्सेसे पुरस्कार के एक प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ता और आम आदमी पार्टी के संयोजक है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी, इसलिए उन पे हाथ डालना इतना आसान काम नहीं था। और सीबीआई ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हाथ डालने से पहले अपने हाथ पूरी तरीके से मजबूत कर लिए जाए। उन्होंने कहा कि जो जस्टिस नीना बंसल कृष्णा है, उन्होंने कहा इस बारे में कि गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से सिद्ध होता है कि वे गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सके। सीबीआई ने इस पे स्पष्ट किया है, मतलब सीबीआई जो जस्टिस हैं नीना बंसल कृष्णा, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल इतने प्रभावी व्यक्ति थे कि जब गवाहों को ये श्योरिटी हो गई कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में अभी लंबे समय तक रहेंगे और उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही वो गवाह सामने आए, यानी कि उनसे अरविंद केजरीवाल से डरे हुए गवाह थे और इसके बाद ही वो सामने आए और उन्होंने ठोक कर गवाही दी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि शराब घोटाले में केजरीवाल ने किस तरीके से ये पूरा खेल रचा था। और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ये पूरी तरीके से, आपने जो उनका जो जो इनके खिलाफ जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, उसमें पूरी तरीके से इस बात को अच्छे से साबित किया है कि अरविंद केजरीवाल से सभी लोग डरे हुए थे, इसलिए उनके खिलाफ गवाही देने से डर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पद पर सम्मान करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो सीबीआई है उसने एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद का सम्मान करते हुए इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया है और जांच एजेंसी ने संदेह और सावधानी के साथ
काम किया है इस पूरे मामले में, वह किसी भी तरीके से ये जांच प्रभावित ना हो जाए। बहुत बड़ी बात, हाई कोर्ट ने एक एक पॉइंट को स्पष्ट किया है और ये जो पॉइंट है ये सचमुच ये इस ओर इशारा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कितनी प्रभावशाली थी। देखिए, मनीष सिसोदिया के बारे में भी एक बार कोर्ट ये बात कह चुका है कि मनीष सिसोदिया बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। अगर वो बाहर, उनको जमानत दी गई तो बाहर जाकर वो सबूतों और गवाहों को एक प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनका तिहाड़ जेल में रहना बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि गवाहों पर उनका पूरा नियंत्रण है, यानी कि जो उनके खिलाफ गवाही देगा उसको किसी भी तरीके से ये लोग प्रभावित करेंगे, इसलिए इनको जमानत नहीं दे दी जा सकती है। और जब दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही कई लोगों ने गवाह बनने का साहस जुटा पाए उनके खिलाफ। और दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई को द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बता दिया है। ये पॉइंट आपको फिर से सुनना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसा मक्कार, चालाक चोर, इतना प्रभावी चोर कि आप समझिए कि हाई कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना है। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सही माना है, आप इस बात को समझिए। और केजरीवाल जो बार बार दिल्ली के लोगों के मन में, दिलो दिमाग में इस तरीके की बातें पैदा करने की जो कोशिश कर रही थी ये पूरी कंपनी, चोर कंपनी, के देखिए अरविंद केजरीवाल को कितना गलत, उनकी वाइफ को आपने सुनीता केजरीवाल को सुना है, जिसने शीश महल पे कब्जा किया हुआ है, वो सुनीता केजरीवाल आज भी हाथ जोड़कर मंच पर जाकर रोकर कहती है उनको गलत पकड़ा गया है, उनको गलत किया जा रहा है। अरे चोर है, डकैत है, लुटेरा है दिल्ली के खजाने का, इसको सही पकड़ा गया है। हाई कोर्ट ने भी इन बातों को पुख्ता किया है कि आप देखिए ये बिल्कुल सही गिरफ्तारी हुई है और ये सारी चीजें, तभी आप दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करना उसकी गिरफ्तारी के बाद, जरूरी साक्ष्य एकत्रित करने के बाद बंद हो गया। जस्टिस मीना बंसल कृष्णा ने 48 पन्नों के अपने फैसले में कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में किसी भी तरीके की दुर्भावना नहीं पाई गई है। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा था कि अपराध का यह जाल पंजाब तक फैला हुआ है, लेकिन केजरीवाल द्वारा अपने पद का इस्तेमाल किए जाने वाले प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण गवाह सामने नहीं आ पा रहे थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल इतना प्रभावशाली व्यक्ति था कि उसके कारण जो प्रमुख गवाह थे इस पूरे मामले के, वो सामने नहीं आ पा रहे थे। ये अपने आप में टू मच है। आप समझिए, जब कोर्ट ऐसी टिप्पणी कर दे तो इसका मतलब ये होता है कि जो अरविंद केजरीवाल या जो भी आरोपी होता है वो कितना प्रभावशाली व्यक्ति होता है कि कोर्ट उसके बारे में ऐसी टिप्पणी कर रही है। और ये सबसे बड़ी बात यह है, आपको हम अब बता दें कि अरविंद केजरीवाल का बुरा वक्त चल रहा है और अब वो बहुत लंबे समय तक तिहाड़ जेल के अंदर रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक लुटेरा है, दिल्ली के खजाने का चोर है और इस चोर को बाहर नहीं आना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि ये जो पूरी चोर मंडली है, जो इनका एक टिकट ब्लैकिया जो बाहर छूटा है, उसको भी अंदर डाला जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जमानत से भी बहुत सारी गलतफहमियां लोगों में पैदा की जा रही है और वो भी एक ऐसा प्रमुख व्यक्ति है जो लोगों के दिलो दिमाग में गलत बातें डालने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये सारी चीजें आप समझिए, ये लोगों के दिमाग में, ये अदालत के अंदर कुछ और होता है और बाहर आकर ये कुछ और लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। और ये जो सहारा लेते हैं वो फ्रीडम टू स्पीच का सहारा लेकर ये गलत बयानी करते हैं। तो अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि इतनी सख्त टिप्पणी के बाद और सीबीआई की इस जांच, पुख्ता जांच के बाद जब ये सब सामने आ गया है, तो आप समझे दिल्ली के अंदर आपने बरसात देख ली, राजेंद्र नगर इलाके में डूबते छात्र देख लिए, करंट से मरते लोग देख लिए, नालों के अंदर पानी देख लिया, पानी का संकट देख लिया, और अब एक बार फिर आप दिल्ली के अंदर बाढ़ का तांडव देखने वाले, क्योंकि बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर बरसातें शुरू होने वाली हैं।
कोई नाला साफ नहीं हुआ, कोई यमुना साफ नहीं हुई, कोई रिवर साफ नहीं हुआ, कोई नहर साफ नहीं हुई, कोई नालियां तक अटी पड़ी हैं, और करोड़ों रुपया जो इन्हें सफाई करने के नाम पर जो बजट रखा जाता है उसको अरविंद केजरीवाल डकार गया। और ये जो डकार गया ये आज दिल्ली का पूरा विकास एक तरीके से बाढ़ के पानी में डूब के मर चुका है। तो ऐसे में आखिर क्या किया जाए? तो बहुत जल्दी इस सख्त टिप्पणी के बाद हो सकता है एलजी जरूर सामने आएंगे और दिल्ली की जो दुर्दशा हो रही है उसे गृह मंत्रालय को जाकर बताएंगे, और इसके बाद हो सकता है अरविंद केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और बाहर का रास्ता अगर नहीं भी दिखाया जाता है तो अरविंद केजरीवाल के पास मान लीजिए कि 2 से 3 महीने बचते हैं, 2 से 3 महीने यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर में ये जो दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है उनकी घोषणा हो जाएगी, और जैसे ही घोषणा होगी अरविंद केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और वो जो बार बार आप ये समझिए अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को जो खड़ा कर रहे हैं ये सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को तो एक और बड़ा झटका लगा है, वो राज्यसभा नहीं भेजे जा सके। और चुनाव आयोग देखिए इस केस में जो शराब घोटाला है इसके अंदर आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना लिया गया है। अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ FIR दर्ज होती है, सेपरेट होती है या जो भी होती है और जांच होती है इसमें साबित होता है, तो बहुत जल्दी चुनाव आयोग इसकी हम आपको बार बार बताते रहेंगे घोषणा करेगा कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया जाए और आम आदमी पार्टी की सदस्यता रद्द कर दी जाए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी तिहाड़ जेल के उस पत्थर वाले बेंच में बहुत लंबे समय तक सोए रहेंगे या पड़े रहेंगे, अपनी सजा को काटेंगे जो अपराध उन्होंने दिल्ली वालों के खिलाफ किया है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और एक बात और, अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप कि हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के, कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।